दोस्तों नमस्कार, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रोन मधुमक्खी के बारे में। दोस्तों ड्रोन जो है उसके जो जीवन काल है, जीवन चक्र है, उसकी शुरुआत होती है अंडे से। 3 दिन तक अंडे की शेप में रहता है, 3 दिन से 8 दिन तक लार्वा की शेप में, इसके बाद 8 दिन से 24 दिन तक ब्रूड की स्टेज में रहता है, जो कि एक सील्ड लार्वा की स्टेज होती है। यानी लार्वा को जो वर्कर मधुमक्खियां हैं वो सील कर देती हैं। और दोस्तों इसका जो ब्रूड है, इसका जो सेल होता है जिसमें ड्रोन जो है तैयार होता है, उसका साइज और जो मधुमक्खियां हैं उनसे ज्यादा बड़ा होता है। यानी वर्कर मधुमक्खी का जो ब्रूड है वो छोटा होता है। इसके अलावा जो ड्रोन मधुमक्खी का जो सेल है जिसके अंदर मधुमक्खी तैयार होती है वो देखने में बहुत बड़ा साइज में होता है, जिसको देख करके आप अलग से ही पहचान लोगे कि ये जो सेल है इसके अंदर जो ब्रूड है वो नर मधुमक्खी का यानी ड्रोन का है। तो दोस्तों 24 दिन के बाद ड्रोन जो है अपने सेल से बाहर निकल जाता है और उसको 1 सप्ताह तक जो मधुमक्खियां हैं वो खुद ही खाना खिलाती हैं, वो अपने आप नहीं खाता। इसके 7 दिन से 12-13 दिन तक वो अंदर ही रहता है जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाता मैटिंग के लिए। इसके बाद ये अपनी मैटिंग के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों ड्रोन जो है वो किसी भी डब्बे में, किसी भी कॉलोनी में आ जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होती। और दोस्तों ड्रोन का जो महत्व है वो जैसे वर्कर मधुमक्खी का है, जैसे रानी मधुमक्खी का है, ठीक उसी तरह से ड्रोन का भी अपना अलग महत्व है जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों ड्रोन की एक खासियत और होती है कि इनकी जो देखने की क्षमता होती है, इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो और मधुमक्खियों से ज्यादा तेज होती है। और दोस्तों ये क्वीन की जो मैटिंग होती है उसको जो गंध है क्वीन की वो लगभग 60 मीटर से पहचान सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये ड्रोन जो है और मधुमक्खियों से 4 गुना ज्यादा खाना खाता है। और ऑफ सीजन में ड्रोनों की संख्या कम पाई जाती है मधुमक्खी छत्ते में, ये ज्यादातर सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं ड्रोन्स। अगर इससे ज्यादा हो रहे हैं या बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो क्वीन है वो सही नहीं है, या तो बूढ़ी हो चुकी है या फिर उसको जो अंडे हैं वो गलत दे रही है क्वीन, जिसको के हमें ध्यान रखना होता है। दोस्तों ये सारा चीजें हम आप एक बी कॉलोनी के अंदर देखते हैं। और इसका देखने का कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो है इसको समझ नहीं पाते कि ड्रोन ज्यादा होने का क्या मतलब है, ड्रोन कम होने का क्या मतलब है। तो दोस्तों जब ऑफ सीजन आता है तो या तो क्वीन जो है सबसे पहला काम करती है ड्रोन के जो एग्स हैं वो कम देती है। इसके साथ ही जो ड्रोन के जो ब्रूड या जो सेल्स बने होते हैं उनको वर्कर मधुमक्खियां उनको नष्ट कर देती हैं, या फिर ज्यादा संख्या में अगर ड्रोन बाहर निकले हुए हैं और कॉलोनी के पास खाने के लिए नहीं है और उनके बचाव के लिए वो बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं उनको मार भी देती है। तो दोस्तों जब सीजन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बाहर से खूब खाने को आ रहा होता है, तो ज्यादातर ड्रोन की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका कारण है कि जब सीजन आता है तो कॉलोनी के पास सब चीजें उपलब्ध रहती हैं। इसके अलावा जो क्वीन है उसके लिए भी ये जरूरी होता है कि उसमें ड्रोन्स रहें। और इसके अलावा दोस्तों जो क्वीन है, जब कोई नई क्वीन पैदा होती है छत्ते के अंदर, तो क्वीन जो है हवा में उड़ती है लगभग क्वीन सेल से बाहर निकलने के 1 सप्ताह के बाद। इसके बाद हवा में ही इसकी मैटिंग होती है जो कि लगभग 20-25 फुट ऊंचे भी हो सकती है या इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम में भी हो जाती है। तो दोस्तों इसकी जो ड्रोन की मैटिंग है वो क्वीन के साथ होती है। और दोस्तों उसके बाद क्वीन जो है अपने डिब्बे के अंदर वापिस आ जाती है। और ड्रोन जो है, जिस ड्रोन की जो मैटिंग होती है क्वीन के साथ, वो ड्रोन जो है वहीं तुरंत ही मर जाता है।
इसके बाद जो क्वीन है वो लगातार जब तक जीती है तब तक अंडे देती रहती है। तो दोस्तों ड्रोन का आपने देखा कि इस कॉलोनी के अंदर जो मधुमक्खियों का परिवार होता है उसमें बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। हालांकि काम की दृष्टि से देखें तो वर्कर मधुमक्खियां ज्यादा काम करती हैं, ड्रोन ऐसा कुछ काम नहीं करता, खाता है और इस डब्बे से उस डब्बे में घूमता रहता है। और दोस्तों एक खासियत और बता दूं कि ड्रोन के जो है स्टिंग नहीं होता, यानी ड्रोन जो है डंक नहीं मारता, उसको आप हाथ में उठा सकते हो, पकड़ सकते हो। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ड्रोन को हाथ में उठा लेते हैं तो उनके साथ खेलते रहते हैं क्योंकि वो डंक नहीं मारते। इसके अलावा बहुत सारे बी कीपर जब किसी नए व्यक्ति को अपनी कॉलोनी में ले जाते हैं तो वो भी उनको पकड़ करके दिखाते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि ये काट क्यों नहीं रहे। तो दोस्तों आप भी उसके साथ खेल सकते हो, आप भी उसको हाथ में उठा सकते हो क्योंकि उसके अंदर डंक नहीं होता और वो बहुत ही वैसे शांत स्वभाव का होता है, उड़ने में तेज होता है, देखने में भारी होता है, उसके पंख जो है ज्यादा मजबूत होते हैं और तगड़ा होता है। तो इस तरीके से आप इसकी ड्रोन की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों ड्रोन का ज्यादा होना एक अच्छी कॉलोनी की पहचान होती है, लेकिन अगर हद से ज्यादा अगर उसमें ड्रोन पैदा हो रहे हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि कहीं हमारी जो क्वीन है वो पुरानी तो नहीं हो गई है, या हमें क्वीन बदलने की जरूरत है, या फिर क्वीन में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से वो जो है मेल के ही अंडे दे रही है। तो दोस्तों इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। बाकी दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि जो चीज हम बता रहे हैं उसका क्या महत्व है, कि रानी मधुमक्खी क्या करती है, हमें उसको जान करके क्या करना है, या मधुमक्खियां में जो वर्कर मधुमक्खियां हैं उनकी जानकारी हमें रखने की क्या जरूरत है, और ड्रोन के बारे में जानकारी रखने की क्या जरूरत है। दोस्तों अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब तक आप इस पूरे कॉलोनी के उत्पादन कैसे ये प्रोडक्शन करती हैं अपनी और किस तरीके से अपनी ग्रोथ करती हैं उसको समझे बिना मधुमक्खी पालक कोई भी एक सफल मधुमक्खी पालक नहीं बन सकता। तो दोस्तों हमें इन सबके चक्कर को समझना होता है, कब किसकी उपस्थिति क्या चीज बता रही है, ये सारा हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों जैसे ही आप इन सभी चीजों के बारे में जानना शुरू करोगे तो आपकी धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी, और आप जब मधुमक्खियों के साथ काम करोगे तो आपको हर मधुमक्खी का क्या काम होता है उसके बारे में पता रहेगा, उनकी उपस्थिति क्या आपको दिखा रही है वो पता रहेगा, कब आपको क्वीन बदलनी है, कब आपके वर्कर्स जो है कम हो रहे हैं, कब ज्यादा हो रहे हैं, एक तो उनकी पहचान करना, दूसरा उनका जीवन चक्र को समझना बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। दोस्तों ये सारी जानकारियां जो है एक मधुमक्खी पालक के पास होती हैं। तो जो नए मधुमक्खी पालक हैं वो ज्यादातर यही सोचते हैं कि इसमें हमें ये बता दिया जाए कि ढेर सारा शहद कैसे मिलेगा या ढेर सारे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों पैसा और शहद तो इसका बाई प्रोडक्ट है। अगर आप मधुमक्खियों को ठीक से पालना सीख जाओगे तो आपके लिए कोई समस्या नहीं आएगी। मधुमक्खियां अगर आपने ठीक ठाक से रख के रखी तो सीजन जैसे ही आएगा आपको उससे शहद भी मिलेगा, आपको उससे पोलन भी मिलेगा, आपको उससे प्रोपोलिस भी मिलेगा, या जो भी उसके उत्पाद होते हैं वो सारे के सारे मिलेंगे। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने बिल्कुल बेसिक से इसकी शुरुआत की है जिसमें आप क्वीन के बारे में जानेंगे, ड्रोन के बारे में जानेंगे, वर्कर मधुमक्खियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिनके बारे में हमने काफी चीजें बता चुके हैं पहले से, उनसे मैं चाहूंगा कि वो लोग हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें ताकि उनको आगे की बातें समझ में आ सके। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों हमने एक वेबसाइट बना रखी है जिसका नाम है www.beekeepingindia.in। उस पे जा करके अगर आप सब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उस पे आप सब अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें जैसे ही हमारी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगी हम आपको मैसेज से या फोन करके आपको इनवाइट करेंगे, आपको जानकारी देंगे जब भी हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगी। दोस्तों इसी के साथ ही आज का ये जो सब्जेक्ट है उसको हम पूर्ण करते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।